अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरडीबी पोर्ट एडिट कैसे करते हैं। आरडीबी पोर्ट मीन रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट। आपने रिमोट एक्सेस करने के लिए ये जो है पोर्ट यूज़ होती है, तो मोस्टली जगह पे जो आईएसपी वाले हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन्होंने ये पोर्ट ब्लॉक कर दी हुई है। द रीज़न इज सिक्योरिटी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एडिट करके आप इसको कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट पे जाना है। सब विंडोज़ का मेथड तकरीबन सेम ही है। रन रजिस्ट्री मेज में जाना है, रजिस्ट्री एडिटर में। ओके, फिर आपने ये रजिस्ट्री एडिटर में जाके थर्ड ऑप्शन है एच की लोकल मशीन, इसको ओपन करना है आपने। एच की लोकल मशीन को और आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपने इसके करंट कंट्रोल सेट में जाना है। उसके बाद ओपन द कंट्रोल। ओके, देन यू हैव टू फाइंड टर्मिनल सर्वर। ओके, ओपन द टर्मिनल सर्वर। देन यू हैव टू फाइंड विन स्टेशंस। ओपन द विन स्टेशन। देन यू फाइंड ओवर हेयर आर टी पी टी सी बी। क्लिक हेयर एंड देन यू कैन फाइंड हेयर पोर्ट नंबर। हेयर यू फाइंड द पोर्ट नंबर। डबल क्लिक एंड ओपन द न्यू बार। देर इज अ टू ऑप्शन इन बेस। You have to go the second option. Look, the default IP is the default port is 3399, but right now this one is 3399, but the default is 3389 RDB port. This one is edit already. Okay, आपको कि कोई भी 3389 के अलावा कोई भी पोर्ट नंबर आप रख सकते हैं, लाइक 3866, वट एवर, जो भी आपके माइंड में है, जो आप समझते हैं सेफ है, वो आप पोर्ट मेंशन कर दें। देन ओके, देन क्लोज द रजिस्ट्री एडिटर एंड रिस्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, आफ्टर इन वेर यू हैव द ब्लॉक द 3389 पोर्ट, यू कैन वर्क इजीली दिस वन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू।